ललिता यादव को हम मैसेज करते हैं वो रिप्लाई नहीं देती हैं, फ़ोन करते हैं वो रिप्लाई नहीं देती हैं, उन्हें मतलब बहानों का तो ढेर बना रखा है, काम उन्हें करना नहीं। इन कामों पे आपको वोट देंगे, जूते मिलने चाहिए इन कामों पे आपको तो। मेरा मकान धसने के तौर पे है, जिन ये ललिता यादव जी के पास जाते हैं उनके यहाँ कोई एक आदमी बैठा रहता है वो दूर से ही भगा देती हैं, कोरोना फैल रहा है मत आइए हमारे ऑफिस पे। और नीरज शर्मा जी वो ढोल लगीरा खाली बजाना जानते हैं, रोड पे बैठना जानते हैं। कॉलोनी में से यहाँ से वोट हमें मिली नहीं है तो हम आपका काम क्यों करें? हमारी जो पार्षद साहिबा हैं ललिता यादव जी एडवोकेट, उनको पार्षद उनको दे चुके हैं, लेकिन उनका काम ये है वो आती हैं और अपने कोर्ट में जाके बैठ जाती क्योंकि वो एडवोकेट हैं। ललिता यादव सारी हुई पड़ी है, फिर ये हम लोगों के घरों में जा रहा है, दिक्कत हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। नीरज शर्मा जी एक बार आए थे बारिश के मौसम में, आए थे वो नंगे पैर यहाँ पे घूम के भी गए कि पता नहीं क्या दिखा के गए थे वो कि इसको बनवा देंगे, अभी तक वो दिन नहीं आया है जो उन्होंने ऐलान किया था। या तो वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। आएंगे ललिता यादव जी, वो तो वोट मांगने आई थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मुझे लग रहा है सूरत भी नहीं दिखाई है अपनी। परेशानी को लेकर आपने शिकायत की होगी उनसे? मेरा नाम केदारनाथ है, मुझे इस गली में रहते हुए इस कॉलोनी में रहते हुए 15 साल हो गया। यहाँ पे पानी से लेकर के लाइट से लेकर के और सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन की है। किस प्रकार की समस्या यहाँ पर बनी हुई है क्योंकि लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है? से समस्या तो हमारे यहाँ पे ना तकरीबन 20-25 साल से हैं जो हमारी समस्या है, और जो हमारी मूलभूत सुविधा है जिनके आधार पे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, जो हमारे टैक्स होते हैं जिससे गवर्नमेंट को पे होता है, वो क्या टैक्सेस होते हैं? हमारे इलेक्ट्रिसिटी टैक्स जो हमें से दोगुने वसूल करे गए थे इस समय, अभी इस साल कब, महामारी के टाइम में जब आदमी के पास जिम में पैसा नहीं था। सेकेंड आपका सर्विस टैक्स, हाउस टैक्स, डेवलपमेंट चार्जेस, डेवलपमेंट के आपके आधार पे आप देख रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट कहीं हुआ है, डेवलपमेंट कहीं हुआ नहीं, डेवलपमेंट हम चार्ज देते हैं, हाउस टैक्स हम चार्ज देते हैं, गवर्नमेंट हमसे सिर्फ जो हमें पैसा लेती है हमसे किस लिए लेती है? डेवलपमेंट चार्ज के नाम से, लेकिन कहीं डेवलपमेंट चार्जेस अभी है नहीं। उसके बाद पहले जो हमारे यहाँ से जो कॉलोनी पास हुई थी 2013 में पास आउट हमारी कॉलोनी है, उसके बाद से आज तक कोई काम नहीं। उसके बाद कई पार्षद बदल गए, कई विधायक जी बदल गए, सब आते हैं वोट लेने आते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं आपको कॉलोनी में से यहाँ से वोट हमें कभी मिली नहीं है तो हम आपका काम क्यों करें? तो हम तो उनसे पूछ रहे थे तो काम नहीं करे तो फिर लोग आते क्यों हैं? नकली आते हैं, वो नारियल फोड़ के चले जाते हैं, हाँ हाँ काम होगा, सिविल लाइन बीच में डली थी वो भी ब्लॉकेज हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, उनके ऊपर कोई काम करने वाला कोई नहीं है। गलियों में आप देखते हो गलियों के अंदर सारे पड़ोसी रहते हैं, किसी का पानी किसी की नाली की ना तो निकासी है। 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद कोई बहन बेटी अगर इस रोड से अगर निकलती है ना, स्ट्रीट लाइट नहीं है रोडों पर, यहाँ पे कौन किसको क्या बदतमीजी करके जा, डेली आय देने की शिकायतें आ रही हैं।
लेकिन आप इसमें प्रशासन इसमें क्या करे, जब हमारे यहाँ के विधायक और पार्षद ललिता यादव जी इसके जिम्मेदार तो वही हैं, वो इसके समाधान वही करेंगी। यहाँ वोट मांगने तो आ जाती है लेकिन उसका समाधान हमें आज तक नहीं मिला है। इसके अंदर हमने सांसद साहब कृष्णलाल गुर्जर जी को अपनी शिकायत कर चुके हैं, डीसी साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, हमारे गवर्नर साहब उसको ज्ञापन दे चुके हैं, विधायक जी को ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बाद हमारी जो पार्षद साहिबा हैं ललिता यादव जी एडवोकेट उनको दे चुके हैं। लेकिन उनका काम यह है, वो आती हैं और अपने कोर्ट में जाकर बैठ जाती, क्योंकि वो एडवोकेट हैं, तो उनकी तो रोटी चल रही बढ़िया से। नगर निगम से पैसा आता है, हमें नहीं पता वो कहाँ कहाँ नहीं, कहाँ से विकास हुआ, क्या विकास हुआ है। हमारी सीवर लाइन बढ़िया चल रही थी, फिर मैम ने बोला कि हम अपनी सरकारी डलवाएंगे, सरकारी तो आप देखिए। सीवर लाइन आप लोगों ने बनवाई? हाँ, वो हमारी प्राइवेट की खुद की थी, और सरकारी आप देख ही रहे हैं क्या है व्यवस्था, बढ़िया सब कुछ चल रहा था। आई और खुदवा दिया कि मात्र 3 महीने में काम हो जाएगा, 3 महीने आप अपना काम कर लो, बस ऐसे ऐसे करके 3 महीने काम चला, फिर 2 महीने के लिए काम रुक गया, फिर 2 महीने काम चला, फिर काम रुक गया। आज के टाइम में यह हालत है कि लोगों के घर धंसने वाले, हर किसी के न्यू में पानी जा रहा है। इधर देख लिए, इनके बेसमेंट में आपका पानी भर गया पूरा। अब ललिता यादव को हम मैसेज करते हैं, वो रिप्लाई नहीं देती हैं, फ़ोन करते हैं वो रिप्लाई नहीं देती है, उनसे उनके पति से बात होती है तो 2 दिन में काम हो जाएगा, 3 दिन में काम हो जाएगा, ये वाला प्लांट चालू नहीं है, वो वाला प्लांट चालू नहीं है, मतलब बहानों का तो ढेर बना रखा है, काम उन्हें करना नहीं है, बहानों का ढेर है पूरा। खाने के लिए आप पैसा नहीं है, लोग मेहनत करके रोज मजदूरी करके कमा रहे हैं, उनको तो समझ आता नहीं है, वोट लेने आएंगे, वोट लेके चले जाएंगे कि हमारा चार होगा कि हमारा बहुत बढ़िया काम हो गया, और इन्हें फिर कहते हैं हमें वोट नहीं दिया कॉलोनी वालों ने। इन कामों पे आपको वोट देंगे, जूते मिलने चाहिए इन कामों पे आपको। तो सब लोग आश्वासन देते हैं कि आपके कॉलोनी का कुछ ना विकास होगा, लेकिन ये विकास 15-17 सालों से नहीं हो पाया है, और खाली आके हमें आश्वासन देते हैं कि हमारी कॉलोनी ये है, मेरा घर रोड पर ही है मैम, रोड पर ही है मैम, और गलियों का पानी जा रहा है, मेरे मकान के साइड में धस रहा है, मेरा मकान धसने के तौर पे है, यहाँ पर आपस में लोगों की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई सुनने का राजी नहीं है। ललिता यादव जी के पास जाते हैं, उनके यहाँ कोई एक आदमी बैठा रहता है, वो दूर से ही भगा देती हैं, कोरोना फैल रहा है मत आइए हमारे ऑफिस पे, और नीरज शर्मा जी वो ढोल वगैरह खाली बजाना जानते हैं, रोड पर बैठना जानते हैं, उनके और कोई काम जानते नहीं है। और कहते हैं इतनी बरसात के मौसम में हम लोग यहाँ पर बैठ भी नहीं सकते हैं, कहीं घूम भी नहीं सकते हैं, अगर हम हमारे अभी भी आप जाके देखिए रोडों पर सीवर का पानी निकल रहा है, जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। हम लोग इस कॉलोनी में आके इतने परेशान हैं कि हम लोग यहाँ जीना दुर्बस हो गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि वो लोग आए, हमारा कुछ समाधान हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है जी। जैसे कि आपने सुना, लोगों का सवाल है कि हम टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, क्या ऐसी गंदगी में रहने के लिए देते हैं, या फिर जो हम वोट देते हैं वो क्या हम ऐसी गंदगी में रहने के लिए देते हैं। लगातार पार्षद से शिकायत की जा रही है, यहाँ तक कि गवर्नर से शिकायत की जा चुकी है, यानी कि आप ये चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं फरीदाबाद की स्थिति इस समय क्या हो गई है। एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बहुत सारी कमेटियाँ बनाई जा रही है, लगातार जो हमारी निगमायुक्त है गरिमा मित्तल जी वो मीटिंग कर रही है और पार्षदों से जो है मीटिंग करके उनकी समस्याओं को, उनकी वार्ड की समस्याओं को जाना जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी चीज़ें हो रही हैं, इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद भी लोगों को ऐसी गंदगी में जीना पड़ रहा है, ऐसे में किसी के साथ कोई घटना होती है तो इनका सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा, पार्षद या फिर विधायक, क्या इसीलिए ये लोग वोट देते हैं। लगातार मैं आपको बता दूँ कि फरीदाबाद के जो 40 वार्ड हैं इन सभी में किसी ना किसी समस्या से लोग जूझ रहे हैं, लगातार यहाँ पर सीवर ओवरफ्लो की समस्या और लगातार जो है सीवर के ढक्कन टूटे होने की समस्या बनी हुई है। लेकिन ऐसे में पार्षद और विधायक जिन्हें लोग चुनते हैं, आमजन अपने के लिए अपनी सुविधाओं के लिए चुनते हैं, लेकिन वो ही लोगों के काम नहीं आते, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि फिर वो वोट किस मुंह से मांगने आएंगे। इन लोगों का ये कहना है कि किस तरीके से, जैसे कि आपने सुना कि बहुत ही रोष में है लोग, काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, अब ऐसे में देखना ये है कि कब तक इन्हें ये गंदगी में जीवन यापन करना पड़ता है, कब तक इनकी समस्या का समाधान होता है। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव न्यूज़। धन्यवाद। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।